वेलकम स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपन आज क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर काइनेमेटिक्स का पार्ट 9th। लास्ट अपना है जो वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है, कंप्लीट होने वाला है। और अगर कोई क्वेरी हुई आपको या कोई क्वेश्चन आंसर हुए तो अपन एक दो पार्ट और बनाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो, कल अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कि रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, कि जब दो वेलोसिटी है वो एक डायमेंशन के अंदर है तो उनका रिलेटिव नेचर था वो किस टाइप से अपन ने डिफाइन किया था वो देखा था। अब अगर बात करें कि दो टाइप से रिलेटिव डेंसिटी हो, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, दो डायमेंशन के अंदर वेलोसिटी हो तो रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अंदर होगी। जैसे मेन जो अपनी इस रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशन के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आते हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब होता है जिसके अंदर सबसे पहले आता है रेन मैन प्रॉब्लम या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। देखो कि अगर रेन हो रही है 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, ठीक है, और नीचे कोई आदमी है जो खड़ा है, ठीक है, रेस्ट के अंदर है, अगर उस बरसात से बचने के लिए उसको किस डायरेक्शन के अंदर अपना अम्ब्रेला खोलना होगा, ये अपने को डिसाइड करना है। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये एक बेसिक क्वेश्चन है। देखो, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, अब वेलोसिटी बतानी है किसकी, रेन की। वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू मैन, तो क्या होगी वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू ग्राउंड के हिसाब से, तो वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू ग्राउंड है 20। अब डायरेक्शन कौन सी है, अगर ये अपनी अर्थ है और अर्थ के क्या आ रही है, माइनस वाई एक्सिस के अंदर आ रही है, नहीं आ रही, माइनस वाई एक्सिस आ रही है, इसको क्या बोल सकता हूँ, माइनस जे कैप। जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है माइनस वाई डायरेक्शन का। जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, ये रेस्ट के ऊपर है तो ये क्या हो जाएगी, जीरो। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू मैन, यानी आदमी के हिसाब से बरसात की जो वेलोसिटी वो क्या है, 20 किलोमीटर पर हावर है, और कौन सी डायरेक्शन में, माइनस जे डायरेक्शन के, माइनस जे डायरेक्शन होती है माइनस वाई एक्सिस की, यानी नीचे की ओर। तो इसको बरसात से बचने के लिए क्या है, प्लस जे डायरेक्शन के अंदर यानी ऊपर की ओर क्या होगा, अपना अम्ब्रेला खोलना होगा, ठीक है। ये तो बात है जब आदमी रेस्ट के ऊपर है, लेकिन जब क्या हो, आदमी भी मूव करने लग जाए, तब उस कंडीशन में देखो क्या होगा, कि अगर आदमी मूव करने लग जाए, अगर रेन है वो 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आ रही है, तो यहाँ पे कोई आदमी है जो ट्रॉली पे बैठा हुआ है, और ये ट्रॉली क्या है 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है। अब देखो, दो वेलोसिटी अपने पास, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली अकॉर्डिंग टू ग्राउंड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू ग्राउंड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये मूविंग पोजिशन में है तब इसको बरसात है वो किस डायरेक्शन से आती हुई दिखेगी, और किस डायरेक्शन में ये अपना अम्ब्रेला खोले। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड कितनी होगी, इसको लिख सकता हूँ 40 किलोमीटर या 40 जे कैप इन माइनस डायरेक्शन, और ये क्या है, प्लस एक्स एक्सिस में है, अपने एक्सिस बनाओ पहले, ये अपना प्लस एक्स यानी प्लस आई बोल सकता हूँ इसको, आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप, ये डायरेक्शन है। तो ये इस डायरेक्शन के अंदर यानी ये कितनी होगा 30 आई कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू दिस मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू दिस मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन
माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो कितनी होगी भी? वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? माइनस 40 जे कैप, माइनस 30 आई कैप, ठीक है। इस आदमी को वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी दिखेगी? इतनी दिखेगी। यानी एक्सिस के अलोंग ले तो 40 तो वो जा रहा है जे डायरेक्शन के अंदर, कितना 40 तो उसकी वैल्यू है माइनस जे डायरेक्शन के अंदर, और 30 उसकी डायरेक्शन है माइनस आई के अंदर। 30 डायरेक्शन कहाँ पे है उसकी? माइनस के अंदर, है ना। तो उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा? आपने पैरेललग्राम पढ़ा होगा, तो वेलोसिटी कहाँ होगी? इनके बीच में होगी, होगी या नहीं होगी? तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो इनके क्या होगी? बीच में होगी, क्योंकि ये इस साइड भी है इसकी वेलोसिटी, और वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? बीच के अंदर। तो अपने को पता लगाना है कि ये अम्ब्रेला किस एंगल से खोले ताकि ये बारिश से बच सके, या किस एंगल से इसको बारिश आती हुई दिखाई देगी। तो अपने को ये कौन सी डायरेक्शन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी किस चीज़ की है? ये दिखाता है कि इस डायरेक्शन के अंदर रेन आ रही है, आदमी को इस डायरेक्शन के अंदर रेन की वेलोसिटी दिखेगी, ठीक है। तो अपने को देखना है ये एंगल कितना बना रही है, थीटा। अगर ये ट्रायंगल बनाऊं मैं, तो इस ट्रायंगल की ये 40 साइड है, ये कितनी है? 30 साइड। इसका टेन थीटा निकाला जाए तो कितना होगा अभी? 30 बाई 40 यानी 3/4 किसकी वैल्यू आगे भी? टेन थीटा की। कितनी? 3/4। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर ऐसे हो 4 3 5 ऐसा ट्रायंगल बने, तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो 37 होगी। याद रखनी है सिर्फ आपको ये, अगर इस टाइप के एंगल बने जिसके अंदर लंब की वैल्यू ये हो, हाइपोटेन्यूस अपना 5 हो और बेस अपना 4 हो, तो एंगल हमेशा कितना होगा? 37 डिग्री होगा। यानी इसको क्या है, ये एंगल कितना है? 37। यानी इस डायरेक्शन में उसको रेन दिखेगी आती हुई, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या खोलेगा? अपना अम्ब्रेला खोलेगा। यानी वो कितने एंगल से क्या खोलेगा? अम्ब्रेला। 37। ये एंगल भी कितना होगा? 37। यानी वो 37 डिग्री के एंगल से अपना जो अम्ब्रेला है वो इस साइड खोलेगा। आगे समझे, एक और देखो इसके अंदर ही। कि अगर एटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी वी ए और आर जी ग्राउंड इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, या क्या बोल सकता हूँ, 18 जे कैप माइनस डायरेक्शन नीचे आ रही है, नीचे एक और है, ठीक है। जो आदमी है वो भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू ग्राउंड 60 किलोमीटर पर आवर, या 60 आई कैप प्लस का सेम टू सेम वही निकालो इसका। तो वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू मैन कितनी होगी? माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, तो माइनस 80 जे कैप माइनस 60 आई कैप ये होगी। इसका क्या होगा? 80 तो इस डायरेक्शन में है, वो 60 इस डायरेक्शन में है, पैरेलल इसका हो यहाँ पे होगा, ये बनाएगा एंगल थीटा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने का क्या होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। यानी इस थीटा एंगल पे अपने को क्या खोलना है? अम्ब्रेला खोलना है। वापस बनाओ ट्रायंगल, ये बेस अपना 60, इसका 10 थीटा निकालो तो 60/80 यानी कितना आया? 3/4 आया नहीं आया? तो 10 थीटा 3/4 आया, तो कितना एंगल आया अभी? अगर इसको ये तो कितना हो गया, वापस 37 आ गया,
है ना। अपन इसका एक एक दूसरा एंगल लेते हैं, अगर मानो स्पीड उल्टी कर दो इनकी, ये 60 कर दो और ये 80 कर दो, यानी अब ये ज़्यादा मूव फास्ट कर रहा है, ज़्यादा जल्दी जा रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा जल्दी, बरसात धीरे आ रही है, ये आदमी क्या है ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है। तब इसकी अपने को क्या है बतानी है, अब क्या होगा, अपोजिट हो गया, क्योंकि आदमी ज़्यादा जल्दी मूव कर रहा है और क्या है बरसात कम वेलोसिटी से आ रही है। पहला केस अपन ने ऐसा ही किया था जिसके अंदर आदमी की वेलोसिटी अपन ने कम ली थी, इस केस के अंदर अपन आदमी की वेलोसिटी ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू कितनी हो जाएगी, 60 जे कैप माइनस 80 आई कैप, इसका एक्सिस बनाओगे यानी 60 इस डायरेक्शन में, 80 इस डायरेक्शन में, पैरेलल इसका यहाँ पे होगा। जब इसका एंगल बनाओगे तो ये थीटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने को थीटा एंगल से ये अम्ब्रेला खोलना है ना। इसका टेन थीटा निकालो तो ये 80 यानी 80 बाई 60 4 बाई 3 टेन थीटा की वैल्यू। तो एक तो पहले वाला बताया था मैंने कि क्या कि अगर 3 4 5 इस टाइप से हो तो एंगल होगा 37, और अगर 3 4 5 इस टाइप से हो तो एंगल होगा 53। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, अभी 53 डिग्री, एंगल कितना हुआ अपना 53 डिग्री से इसको क्या करना पड़ेगा, अपना अम्ब्रेला है वो खोलना पड़ेगा। अब देखो अगर आज भी ज़्यादा मूव करता है, अगर आप बाइक पे जाते हो, बाइक के ऊपर क्या है बारिश में बाइक पे जाते हो तो आपको बारिश की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा दिखाई देती है, और जब आप बाइक को रोकते हो तो आप देखते हो कि जो बारिश है वो मीडियम स्पीड से आ रही है, नॉर्मल स्पीड से आ रही है, लेकिन जब आप बाइक चलाते हो तो क्या है उसकी वेलोसिटी आपको बढ़ी हुई दिखाई देती है, यानी तब उसकी वेलोसिटी 60 नहीं दिखती आपको। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि देखो ये आ तो इस 60 डायरेक्शन में ये रही थी, 60 तो यहाँ पे आ रही थी, आ तो ये 60 में रही थी, लेकिन इसका रिजल्टेंट इन दोनों को मिला के यहाँ पे निकला बीच में। अब इसकी वेलोसिटी आदमी को ये नहीं दिख रही, आदमी को इसकी वेलोसिटी कहाँ दिख रही है, इन दोनों के बीच में दिख रही है, यानी अब उसको 60 नहीं दिख रही, अब उसको वेलोसिटी क्या दिख रही है 60 से ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि ये तो 60 तो उसकी किसके हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से। जब आदमी भी मूविंग पोजिशन में है तो आदमी को क्या लगेगा कि उसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, उसको बढ़ी हुई दिखाई देगी, यानी स्पीड ऑफ रेन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्पीड ऑफ रेन इंक्रीज होगी, स्पीड क्या होती है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी आई अपने पास ये, तो स्पीड निकालना हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करो, तो मैग्नीट्यूड होता है क्या आपको पता ही है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 80 का स्क्वायर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका, ठीक है, जो वैल्यू है इसकी, और सेकंड इन दोनों का स्क्वायर रूट होता है, वो क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा 36 64, कितनी आ जाएगी भी 100 किलोमीटर पर आवर, यानी अब उसको 60 नहीं दिखेगी, उसको 100 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दिखेगी, किसकी, बरसात की, यानी बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो ये था अपना रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, रेन मैन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन के अंदर, इससे और ज़्यादा ट्रिकी आते हैं वो अपन करेंगे, लेकिन इतना बेसिक समझो अभी। आगे देखो, आगे है अपना इसके बाद आ गया रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, रिएक्शन टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस साथ में। कि अगर मानो एग्जांपल लेके देखते हैं कि कोई कार है,
ठीक है, वो रोड पे मूव कर रही है, ठीक है। अगर उसके आगे कोई आदमी आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, गाड़ी को डीएक्सीलरेट करेगा, ब्रेक लगाएगा, है ना। तो जब ये मूव कर रहा है गाड़ी, ठीक है, और जब इसको देखता है, ठीक है, तो कुछ टाइम तो ये लेता है ऑब्जर्व करने को, चीज़ों को देखने को, ठीक है। जब उसने देखा तो ये तो नहीं, उसने पहले ऑब्जर्व किया चारों ओर, देखा, ठीक है। अब देखो वो एक सिंगल एक लाइन के अंदर जा रहा है, सिंगल डायमेंशन के अंदर उसकी मूविंग हो रही है, तो वो क्या है, राइट या लेफ्ट तो मोड़ नहीं सकता, तो वो क्या जाएगा, एक सिंगल डायमेंशन में मूव करता है तो वो पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि वो दाएं या बाएं नहीं मुड़ सकता। तो वो जो टाइम होता है जब वो ऑब्जर्व करता है ब्रेक लगाने से पहले, ब्रेक लगाने से पहले जो टाइम होता है जब वो ऑब्जर्व करता है सारी चीज़ों को, तब ब्रेक लगाता है, तो वो जो टाइम होता है, मान लो यहाँ पे उस आके उसने क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो इतना जो टाइम होता है उसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। और जब वो रिएक्शन टाइम बीता, उसके बाद जब ब्रेक लगा, तो गाड़ी क्या होगी, गाड़ी की वेलोसिटी कम होगी, और जब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कम होती है, यानी ब्रेक लगाए जाते हैं, तो गाड़ी क्या होता है, गाड़ी के अंदर कौन सा एक्सीलरेशन आता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन या डीएक्सीलरेशन। इसके अंदर जो एक्सीलरेशन होता है गाड़ी का, वो क्या होता है, बैक डायरेक्शन के अंदर होता है। गाड़ी जा तो आगे रही है, अपन ने ब्रेक लगाया, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा उसका, माइनस होगा। एक्सीलरेशन हमेशा माइनस होगा। जैसे आप एग्जांपल लेके देखो, अगर गाड़ी की वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड थी, उसने ब्रेक लगाया 5 मीटर पर सेकंड होगी। अब इसका एक्सीलरेशन निकालोगे तो क्या निकलेगा, वी माइनस यू बाई टी, मान लो 2 सेकंड के अंदर हुई है, तो कितनी आएगी, वी 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी माइनस 5 बाई 2, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, किसका, माइनस का। यानी जब गाड़ी की वेलोसिटी माइनस होती है, ब्रेक लगाए जाते हैं, तो एक्सीलरेशन कैसा आता है भाई, नेगेटिव आता है। उस नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं या डीएक्सीलरेशन बोलते हैं। जहाँ पे ये माइनस साइन ये दिखाता है कि गाड़ी की वेलोसिटी तो आगे है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन बैक डायरेक्शन के अंदर है, क्योंकि वो गाड़ी की वेलोसिटी को रोक रहा है, कम कर रहा है। तो यानी इसका एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा भाई, इस डायरेक्शन में, माइनस है, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। आगे समझो, अब एक्सीलरेशन रिटार्डेशन प्रोड्यूस होने के बाद गाड़ी को कुछ टाइम लगता है, ये तो है नहीं कि गाड़ी हाथों हाथ वहीं पे रुक जाती है, कुछ टाइम लेके रुकती है। वो टाइम डिसाइड होता है, वो डिस्टेंस डिसाइड होती है कि कितनी देर बाद या कितनी जगह बाद रुकेगी, वो डिसाइड होता है गाड़ी की ब्रेकिंग कैपेसिटी के ऊपर। अगर रोड अपनी फिसलन भरी हुई है, वो भी एक फैक्टर होता है, हर गाड़ी की अलग ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, अलग अलग फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। लेकिन अगर अपन आइडियल मान के चले, तो अपन मानते हैं कि गाड़ी है वो थोड़ी देर इतनी दूर बाद, इतनी दूर जाके क्या होगी, रुक गई, तो ये अपनी क्या होगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना। आगे समझो, तो अब अपने को बोला जाए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालो, तो अपन कैसे निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, होगा या नहीं होगा, होगा। अब v है, अगर गाड़ी यहाँ पे आके रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, v जीरो, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अपने को निकालना क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी ये s, ये कितना हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ये क्या आ गई अपनी, स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गई, आ गई या नहीं आ गई, है ना। अगर रिएक्शन टाइम निकालना हो, तो थर्ड सेकंड इक्वेशन लगाओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, इससे t की वैल्यू निकलेगी, या पहली इक्वेशन है उससे निकाल लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v जीरो हो जाएगा, u डिवाइड बाय a किसकी वैल्यू आएगी, t की।
अब एक्सीलरेशन माइनस तो है अपना, एक्सीलरेशन अपने को जब वैल्यू रखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर एक्सीलरेशन की तो माइनस में रखी जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन अपना क्या है, माइनस का है, पीछे की डायरेक्शन में। आगे अपना समझे, ये होता है रिएक्शन टाइम, ये होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब ऐसा ही अपन देखते हैं रिएक्शन टाइम का एक एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे बुक के अंदर जो एग्जांपल अपना, उसमें ये बताया है कि एक रूलर है, इस रूलर को यहाँ से आपके फ्रेंड ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, रूलर ने आपके फ्रेंड ने पकड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका हाथ है, ठीक है, वो जब रूलर यहाँ से छोड़ता है, ठीक है, यहाँ से छोड़ेगा तो आपका रिएक्शन टाइम होगा कुछ, ये तो है नहीं कि आप उसको यहीं पे पकड़ लोगे, आप कुछ रिएक्शन टाइम होगा आपका, ऑब्जर्व करोगे, और जब आप पकड़ोगे तो आप क्या होगा, जो स्केल है वो आपके हाथ में कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, यानी आपने यहाँ से छोड़ा उसने, तो आपने जब यहाँ पे पकड़ा तो वो थोड़ा नीचे चला गया होगा, उसकी कुछ ना कुछ उसने क्या है डिस्टेंस कवर कर ली होगी, जैसे यहाँ से छोड़ा है तो नीचे क्या होगा, वो नीचे जाएगा, नीचे एक्सीलरेशन मूव करेगा, तो वो क्या है थोड़ा डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, मान लो इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा जब आपने पकड़ा है, ठीक है। तो नीचे जा रहा है, तो मैंने पहले भी बताया कि जब ऑब्जेक्ट है वो नीचे की साइड मूव करता है या ऊपर की साइड मूव करता है, दोनों कंडीशन में ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जी की जो वैल्यू होती है वो दोनों ही कंडीशन में कैसी होती है भाई, माइनस की होती है, यानी एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, माइनस का जी होगा, है ना। तो क्वेश्चन है बुक के अंदर कि जब इसने छोड़ा तो स्केल आपके हाथ के अंदर 21 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर जाता है, जब उसने छोड़ा और आपने पकड़ा तो वो स्केल थोड़ा नीचे चला जाता है और आप उसको देख लेते हो कि वो 21 सेंटीमीटर उसने क्या है कवर कर लिया आपके हाथ के अंदर, लेंथ मेजर कर लेते हैं 21 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि रिएक्शन टाइम निकालो, रिएक्शन टाइम पूछा है भाई, तो रिएक्शन टाइम निकालना होगा, कितने टाइम के अंदर आपने उसको ऑब्जर्व करके पकड़ा है वो रिएक्शन टाइम है, वो निकलेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो ऊपर से छोड़ रहे हैं तो ऊपर स्केल क्या था, रेस्ट के अंदर था, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी रेस्ट पर, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, जीरो, तो ये टर्म सारी क्या होगी, जीरो। तो एस इज इक्वल टू माइनस हाफ, ए को क्या लेंगे माइनस का जी, ए को क्या लिखेंगे माइनस का जी, तो जी टी स्क्वायर। अब ऐसा अपने को दिया है कि उसने 21 सेंटीमीटर कवर किया है और 21 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.27 सेंटीमीटर होगा। हाफ जी की वैल्यू कितनी लूं भाई, जी की वैल्यू कितनी ली जाए, 9.8 या 10। देखो अगर फॉर्मूले में दी हुई है तो 9.8 है, अगर नहीं दी हुई आपको 10 लेनी होती है, लेकिन यहाँ पे देखो कि जब पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, तो पॉइंट के अंदर आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर, पहला चैप्टर याद करो, जो मेजरमेंट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगते थे कैलकुलेशन प्लस माइनस, वो हमेशा सेम सिग्निफिकेंट फिगर में होती थी, तो सेम यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दो है, 10 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक, 9.8 में दो, तो अपन सेम सिग्निफिकेंट फिगर लेते हुए इसकी वैल्यू लेंगे 9.8 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की अपने को वैल्यू निकालनी है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, टी की वैल्यू अंडर रूट
टू मल्टीप्लाई 0.21 ओवर 0.98 9.8। इसको जब कवर करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है भाई 0.2070 कुछ ऐसे, ठीक है। आगे सुनो, तो देखो अपनी जितनी भी सिग्निफिकेंट जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में हो रही है, दो सिग्निफिकेंट फिगर में। अपने पास ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है, कितने आ रहे हैं अभी, तीन आ रहे हैं। अगर इसके बाद कुछ और टर्म है तो बढ़ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन अपने को कितने में चाहिए, दो में। तो इसको जब करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर दो बनाएंगे तो ये 7 की एक पावर कहाँ पे आ जाएगी भी, जीरो के अंदर, तो 0.21 सेकेंड। ये क्या होगा भी, रिएक्शन टाइम होगा जब वो उसको कैच करता है। आगे समझ में, ये होता है अपना रिएक्शन टाइम जो बुक के अंदर अपना क्वेश्चन है। एक और देख ले, अगला है रिवर बोट प्रॉब्लम। ये है नहीं वैसे आप, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी टू डायमेंशन की बात चल रही है तो देख लो, जल्दी जल्दी करा देते हैं, टाइम लिमिटेड है। देखो यहाँ पे कोई रिवर अपने पास जिसकी विड्थ है वो 16 किलोमीटर है, यहाँ पे कोई बोट है ठीक है, वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी से जा रही है, और ये वेलोसिटी जो है वो रिवर के हिसाब से है, वेलोसिटी ऑफ बोट इज अकॉर्डिंग टू रिवर, रिवर के हिसाब से उसकी वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है, और जो खुद रिवर है वो 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब यहाँ पे बाढ़ अपन देख रहे हैं, जब अपन बाढ़ देख रहे हैं तो अपने को क्या लगेगा, ये जा तो इस डायरेक्शन में जाता, लेकिन रिवर क्या ले जाएगी, अपन तो इस डायरेक्शन में जा रही थी लेकिन रिवर भी, रिवर क्या होगी, रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी क्योंकि ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो जाना तो ये इस डायरेक्शन में चाहिए लेकिन जाता कहाँ पर ही है, थोड़ा इस डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस कवर करके पहुँचना ए से बी पॉइंट पर चाहिए था, पहुँचता कहाँ पर है, सी पॉइंट पर है ना, ऐसे पहुँचता है। तो देखो जो बाहर से देखेंगे, जब अपन बाहर से देख रहे हैं तो ये वेलोसिटी कितनी है, रिवर की वेलोसिटी है ग्राउंड के हिसाब से 3 किलोमीटर पर आवर, बोट की वेलोसिटी है रिवर के हिसाब से 4 किलोमीटर पर आवर। तो जब अपन बोट को बाहर से देख रहे हैं यानी वेलोसिटी ऑफ बोट अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, हमेशा कैलकुलेशन अपने को ग्राउंड के हिसाब से लेनी है हमेशा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट अकॉर्डिंग टू ग्राउंड निकालनी है अपने को, ये देखो वेलोसिटी ऑफ बोट अकॉर्डिंग टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट अकॉर्डिंग टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट अकॉर्डिंग टू रिवर कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन देके दे तो 4 आई कैप प्लस का बोल सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बोट अकॉर्डिंग टू ग्राउंड है नहीं, वेलोसिटी ऑफ रिवर अकॉर्डिंग टू ग्राउंड कितनी है अभी, वेलोसिटी ऑफ बोट अकॉर्डिंग टू रिवर किस डायरेक्शन में, अभी जे कैप के अंदर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर अकॉर्डिंग टू ग्राउंड किस डायरेक्शन में, अभी 3 प्लस आई कैप के अंदर है, माइनस का साइन आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ बोट अकॉर्डिंग टू ग्राउंड इज इक्वल टू 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 3 आई कैप, ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट अकॉर्डिंग टू ग्राउंड यानी इस डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी होगी कितनी, 4 जे कैप प्लस 3 आई कैप। इससे अपन उसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं बोट की कितनी आएगी भी, फोर स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी भी, 5 किलोमीटर पर आवर यानी 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो इस साइड में जाएगी। 4 तो वो वर्टिकल के अंदर जा रही है, 4 तो वो वर्टिकल में जा रही है,